सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह सिंहभूम की सांसद गीता ने की प्रेस वार्ता। केंद्रीय सरकार पर साधा निशाना। खबर विस्तार से। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने चाईबासा के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई वित्तीय अनियमितता पाई गई है, कई घोटाले सामने आए हैं। कैग के रिपोर्ट में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में अनियमितता पाई गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे जहां सड़क 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनने के बजाय 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो गई है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में मृत व्यक्ति को जीवित दिखाकर निकासी एवं एक ही मोबाइल नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा। टोल नियमों का उल्लंघन। NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 135 करोड़ रुपए वसूले हैं। इन सब के अलावे अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने, वृद्धा विकलांग और विधवा पेंशन का पैसा अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च करने समेत अन्य कई योजनाओं में गड़बड़ी गिनाया और कहा कि क्या प्रधानमंत्री कैग की रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर तमाम योजनाओं की गड़बड़ियों की जांच करेंगे। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, जिला प्रवक्ता जितेंद्र नाथ ओझा मौजूद थे। आप सभी का आज कांग्रेस भवन में स्वागत करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ है हमारे जिला अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर दास जी, हमारे जिला के प्रवक्ता श्री जितेंद्र नाथ ओझा जी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मुख्य रूप से सीएजी की रिपोर्ट जो पिछले दिनों आई है भारत सरकार के कार्यों को लेकर के, आज उसी को लेकर के हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में जो हालात हैं आप लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को लगता है कि हम लोग वहाँ चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उन प्रदेशों में लगातार सरकार को भ्रष्टाचारी कहकर, घोटाला कहकर वहाँ सरकार गिराने का साजिश रचा जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहयोग से वहाँ की स्थापित सरकार को परेशान किया जा रहा है। अब इनके क्रियाकलापों से लगता है कि आने वाले दिनों में ईडी सीबीआई ही इनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगी। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी हो गया है। लोगों को पता चलना चाहिए कि जो केंद्र में सरकार है उनके क्रियाकलाप कैसे हैं। वो राज्य में क्रियाकलाप दिखा रही है, लेकिन उनके अपने जो कार्य हैं वो कैसे हैं ये भी जानने की जरूरत है। हम लोग पार्लियामेंट में बात रखते हैं तो हम लोगों का माइक बंद कर दिया जाता है। जब भी सरकार के खिलाफ में हम लोग बोलते हैं या सवाल पूछते हैं तो हमारे सवालों को सुनने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने आपको माध्यम बनाया है,